जब माँ बाप का साया बच्चों के सर से उड़ जाता है तो इससे बड़ा दुख बच्चों के लिए कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों पर दुखों का वह पहाड़ टूटता है जहाँ उनकी दुनिया तबाह हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी नेता और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट सोनाली फोगाट का हार्ट अटैक आने से सडनली मौत हो गई है। लेकिन सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने पुलिस को बताया कि सोनाली की मौत कोई मामूली मौत नहीं बल्कि एक गहरी साजिश है, जिसमें सोनाली के साथ सालों से चल रहे रेप, ब्लैकमेलिंग और स्लो पॉइजनिंग जैसी दर्दनाक दास्ता शामिल हैं। और इस सब के लिए सोनाली के भाई ने सोनाली के पीए और दोस्तों को जिम्मेदार ठहराया है। दोस्तों आपको बता दें, सोनाली का जन्म बेसिकली हरियाणा में हुआ था। उनकी शादी संजय फोगाट से हुई थी। आपको बता दें, उनके पति संजय फोगाट की मौत भी संदिग्ध और रहस्यमय हालत में 6 साल पहले हो गई थी। साथ ही साथ सोनाली की 15 साल की बेटी भी है जिसका नाम यशोधरा है। लेकिन अब सोनाली के जाने से इस मासूम बच्ची के सर से माँ का आंचल हमेशा के लिए दूर हो गया है। सोनाली को बिग बॉस 14 में बतौर कंटेस्टेंट भी देखा गया था, जहां वह बेहद अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी। शो में भी वह अपनी बेटी को छोड़कर आई थी। शो के अंदर कई बार सोनाली ने अपना पर्सनल पहलुओं पर भी प्रकाश डाला था। फिलहाल सोनाली फोगाट की मौत के बारे में आपको क्या लगता है, प्लीज हमें कमेंट में बताएं। और इस तरह की और फैंटास्टिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।